हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की रेसिपी फ्रेंड्स सबसे हटके है। आप सच में छोले की सब्जी भी भूल जाएंगे, अरबी अगर इस तरह से अगर आप बनाएंगे, जिसको अरबी नहीं भी पसंद वो भी खाने लगे। देखिए, हम अपने मसाले कुछ तैयारी मैंने कर रखा है वो बताती क्या लिया। 2 टमाटर, 1 प्याज को चॉप कर लिया। ये खड़े मसाले हैं कुछ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और ये चक्रफूल है, और हरी मिर्ची 2 ले लिया है, अदरक लहसुन ग्रेट करके। और फिर इसके बाद हमने चढ़ा लिया है ये गैस के ऊपर एक कढ़ाई। बस इसमें थोड़ा सा 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद है तो। और ये फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी बिना झंझट के, और स्वाद में तो इतना आप पूछिए मत, एक बार बनाओगे तब आपको पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा, जिसको अरबी पसंद है उसको तो बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं पसंद उसको भी पसंद आ जाएगी। बच्चे अधिकतर अरबी नहीं खाते, इस तरह से आप एक बार बना के खिलाइए। बताना नहीं कि अरबी है, वो ज़रूर से खाएंगे, देखना उनको पता भी नहीं चलेगा क्या है। तो मैंने ये जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची, खड़े मसाले सारे डाल दिए, और अदरक लहसुन जो ग्रेट करके रखा था वो भी डाल दिया कढ़ाई में भुनने के लिए। थोड़ा सा बस 1/2 मिनट इनको भुनने देते हैं, और इसके बाद फिर हम डाल देंगे अपना तेज़पत्ता डाल दिया, भूल गई थी मैं थोड़ा पहले डालने के लिए, अभी दिख गया तो डाल दिया। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करना। ये मैंने बारीक चॉप किया था जो प्याज, एक ही प्याज लिया था वो डाल दिया मैंने। इसको भी हम भून लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद है तो आराम से धीमी मीडियम फ्लेम रखना और हो जाएगा फटाफट इसमें, और बहुत बढ़िया ये सब्ज़ी लगती है। आप एक बार ट्राई करना। ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया क्योंकि जल्दी ये भून जाता है। इससे मसाले, ये देखिए इस तरह से पिंक हो गई ना हमारे प्याज मसाले जो डाले थे सब भून गए। ये धनिया पाउडर डाला 1 चम्मच डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालूँगी, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर मैंने डाला है, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं बस। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं कि मसाला जल जाए, क्योंकि सूखा मसाला है ना, अगर ज़्यादा देर भूनेंगे तो जल जाएगा, इसलिए बस थोड़ा ही करना है। और फिर इसके बाद हम अपना डाल देंगे। 2 टमाटर लिया था, उसको मैंने प्यूरी बनाया है ग्रेट के लिए, बहुत महीन नहीं किया है, बस थोड़ा हल्का दरदरा मोटा सा है बस। और वो डाल देंगे टमाटर, क्योंकि इसमें कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा, स्वाद भी आता है इसमें। टमाटर के टुकड़े भी नहीं दिखते हैं छिलके टाइप में, तो ये इसलिए मैंने कर लिया। और इसमें मतलब फ्लेवर सब्जी के देखने में भी, स्वाद तो छोड़िए देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फिर उन्हें प्यूरी डाल देते हैं। तो ये बस इनको भूनने देते हैं। थोड़ा सा स्वीट मिक्सर में जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया, और वो भी धुल के थोड़ा सा हिला के डाल दिया जो उसमें लगा था, तो वो सब। अब इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा चला देते हैं, भून लेते हैं। फिर इसको ढक के भी पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए, बढ़िया से ढक के पक जाएगा। फिर उसके बाद ढकने से, नमक डालने से जल्दी मसाले गल जाते हैं, पक जाता है। तो बस ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया, ऑयल छोड़ने लगा है और बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑयल और मसाले कम ही, बेसिक मसाले ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती, और जो मेरे पास होता वो डाल देती, जो कभी नहीं होता तो भी नहीं डालती। आप अच्छे से बनाओगे ना सब। ये देखिए मसाले हो गए, ये मैंने मटर और अरबी बॉईल करके रख लिया था, और अरबी के छिलके निकाल दिया है। देखिए मटर बहुत बढ़िया से पक गया है, और बस हम इस मसाले में भुन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना अरबी, थोड़ा सा मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, बस थोड़ा ही मैश किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ। और 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्रेंड्स पकाऊंगी ढक के, फिर उसके बाद मटर डालूंगी। बढ़िया से ढक के थोड़ा सा मिक्स करके और पका लेते हैं। और फ्रेंड्स, फिर से मेरे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप ज़रूर लिखना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, रेसिपी कैसी लगती है आपने, या फिर कभी ट्राई किया है इस तरह से, शायद मेरे बनाने से पहले भी आपने कई लोगों के शायद बनाए हों, तो भी आप बताना जो भी है आप मतलब। और ये वीडियो भी पूरा वॉच करना, अगर नहीं बनाए हो तो पूरा वीडियो वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह। और इवन ज़रूर ट्राई करना ये,
बहुत आसान सब्जी है और बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। एकदम छोले के फ्लेवर की है हमारी सब्जी बन रही है, ये मतलब पता ही नहीं चले कि इसमें अरबी है और क्या है, बस मटर डाल दिया है तो उससे और टेस्ट आ गया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक के बस इसको 2 मिनट के लिए मैं और पका ली। पकाने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हमें पकाना, पानी डालने के बाद भी पकाना ही है, तो बस 2 मिनट ढका था बस। अभी हो गया, मैं थोड़ा सा आपको इस टाइम में जितना पानी आपको पसंद हो उतना डालिए। गाढ़ा खाना है गाढ़ा, थोड़ा पतली सब्जी खाना है तो ज़्यादा डाल दीजिए। मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। तो बस मैंने इसमें अभी मैं और पानी डालूँ मैं गाढ़ा, क्योंकि ये पकेगा तो भी और गाढ़ा एकदम सूख जाएगी पूरी सब्ज़ी, इसलिए थोड़ा और पानी डालती हूँ। थोड़ा पानी डाल के फिर ढक के 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूँगी। पहले तो हाई फ्लेम कर दूँगी, पूरा थोड़ा पकने लगी सब्जी तो फिर लो फ्लेम कर दूँगी, तो 5 मिनट और पकने दूँगी। बस फिर हमारी सब्जी फिर रेडी है और खाने वाले भी रेडी हो जाते हैं फटाफट से। खाना बनाओ तुम और अच्छा खाना बनाओ, तो सब लोग खाते हैं, घर में तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप बना के एक बार ट्राई करिएगा। जिसको अरबी नहीं पसंद वो तो पक्का बनाना इस तरह से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आलू है अरबी है क्या है। देखिए मैंने ढक दिया था और मेरे 4-5 मिनट हो गए, मेरी सब्ज़ी इस तरह से पक चुकी है बढ़िया से। और देखिए ऊपर ऊपर मसाले ऑयल आ चुके हैं, क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था इसलिए कम ही ऑयल आएगा। और मेरे को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रेंड्स, मैं कम से कम ही डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें तो नहीं। ये अरबी में थोड़ा सा मतलब खड़े मसाले, ये थोड़ा सा मैंने कस्तूरी मेथी डाला है कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। थी तो डाल दिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, है तो ज़रूर डाल देना थोड़ा सा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये थोड़ा गरम मसाला मैंने डाला है, क्योंकि छोले के फ्लेवर का हम बना रहे हैं तो भी अब छोले का फ्लेवर आना चाहिए ना, नाम भर थोड़ी देंगे, सब्जी भी तो वैसी लगना चाहिए छोले जैसे। अब ये देखो हमारी सब्जी पक गई, अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं और एक बार ज़रूर से ट्राई करना, वो बहुत पसंद आए। चलिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और तब तक के लिए आपसे बाय। और ये एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अमेजिंग सब्जी है। और अब तक के लिए आपसे हर हर महादेव, और मिलते हैं अगली वीडियो में।